सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को फ्री में वीडियो पाने के लिए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी खबर, और ये खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जामिया में क्या इंसिडेंट हुआ है, अलीगढ़ में क्या हुआ है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या होता है। दोस्तों, ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इसलिए मैं परहेज करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पॉलिटिक्स की बातें इस चैनल पर न किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि देश की तरक्की एजुकेशन से होता है। एजुकेशन बहुत ही जरूरी है आपके फैमिली के लिए, आपके लिए और आपके देश के लिए भी। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाया जाए, चाहे व्यूज कम है लेकिन एजुकेशन, इल्म, ज्ञान जरूरी है हर एक के लिए। तो दोस्तों, इसमें नोटिस है कि जो स्कूल के फॉर्म निकले थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उसको लास्ट डेट थे 28 दिसंबर को, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे जिलों में इंटरनेट बंद है और अलीगढ़ में खासकर तो बंद थी ही। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियोस एडमिशन से रिलेटेड 2020 से 2021, यानी अगले साल के एडमिशन से रिलेटेड, वो भी एएमयू के स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा स्कूल से रिलेटेड। दोस्तों, पहली क्लास के तो मैंने वीडियो बना दिया है कि किस किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं 6th क्लास का 9th क्लास का 11th का बनाने वाला हूं, और अपर क्लासेस का भी, जो जैसे मास कम्युनिकेशन PhD का भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, साथ ही लाइक बटन को हिट करके मोटिवेट कीजिएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नोटिस आई है 28 दिसंबर को और ये वाइड पब्लिसिटी है, और इसमें लिखा है कि इन द व्यू ऑफ डिस्टर्ब इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट फैसिलिटी को डिस्टर्ब किया गया है, ये कैब और एनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए। दोस्तों, लास्ट डेट थी ऑनलाइन की वो 28 थी, वो एक्सटेंड कर दी गई है क्लास 1st, क्लास 6th और क्लास 9th का। 11th का फॉर्म नहीं निकला है, लेकिन 11th का फॉर्म निकलने वाला है एएमयू का 20 जनवरी के आसपास। तो दोस्तों, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आप फॉर्म भरने लायक हो जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी तक 11 का नहीं आया है, लेकिन 1st क्लास का 6th क्लास का और 9th क्लास का आ गया। और जो जामिया का फॉर्म आने वाला है वो फरवरी में आएगा, फरवरी के लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक में आने वाला है। जनरली अलीगढ़ का जो फॉर्म आता है जनवरी में आ जाता है और जामिया का फरवरी में आता है। तो दोस्तों, जामिया अलीगढ़ से जो भी रिलेटेड क्यूरीज थी मैंने आपको कंप्लीट कर दी है, और ये देख लीजिए लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, लेट फीस नहीं देना है तो 15 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर लेट फी 200-300 रुपया लेट फी लगेगा, फिर भी आप 22 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, 22 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं क्लास 1st के लिए 6th के लिए और 9th के लिए। एकेडमिक सेशन 2020 से 2021 का है, और अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, कोई चीज छूट जाती है या कोई चीज गलती टाइप हो जाती है, तो आपको चांस देगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेक्ट करने के लिए। उसका ऑप्शन मिलेगा 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में गलतियां हो तो उसको सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया कि 15 जनवरी है, विदाउट लेट फी 200-300 रुपया ज्यादा फीस जमा करके आप अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी तक क्लास 1st के लिए 6th के लिए और 9th के लिए। दोस्तों, मैं इस साल प्रिपरेशन भी करवा रहा हूं और बहुत सारे वीडियोस मैं क्लास 1st का बना चुका हूं। अब बारी है क्लास 6th का और क्लास 9th का एएमयू से रिलेटेड, और जामिया से रिलेटेड और बीएचयू से रिलेटेड, जेएनयू और डीयू का भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन एएमयू का पहले फॉर्म निकल जाता है इसलिए मैंने एएमयू का पहले शुरू कर दिया है। जामिया का थोड़ा लेट से निकलेगा तो जामिया का मैं लेट से बनाऊंगा, जिसका फॉर्म लेट से निकलेगा उसका लेट बनेगा, जो पहले बन, क्योंकि स्कूल का फॉर्म निकल गया तो इसको तो बनाना बहुत जरूरी है, और मार्च में ही एग्जाम होने वाले हैं और अप्रैल में भी एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास 1st का क्राइटेरिया क्या है, 6th का क्या है, 9th का, इसके लिए मैं पार्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं। आप ऊपर आई बटन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक वीडियो देखने के लिए क्लास 1st, 6th और 9th का, और किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर भी मैं बना के अपलोड कर चुका हूं। कैसे अप्लाई करना है इस कोर्स में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता दिया हूं, यानी सब चीज का वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको सिर्फ देखना है और उसी तरह आपको अप्लाई कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या चीज स्कैन करके रखनी है, फोटो, सिग्नेचर, क्या क्या कैसे करना है, मैं कंप्लीट पूरा तरीका, प्रोसीजर
मैं बता चुका हूं, और वीडियो आपके आई बटन्स में मिल जाएंगे या एंड स्क्रीन पे चार ऐसे वीडियोस आएंगे जिसको बोलते हैं एंड स्क्रीन, और इस एंड स्क्रीन पे इस वीडियो को खत्म होने के बाद चार लिंक आएंगे। एक में आएंगे कैसे अप्लाई करना है, इसमें मान लीजिए कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है, इसमें क्लास फर्स्ट के कंप्लीट डिटेल्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे, और इसमें आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 11th के भी वीडियोस होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई होगी कि लाइक करें और पॉलिटिक्स से बच के रहें, आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ईमान को बढ़ाएं, और अपने आप को मेहनत करके खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तुम्हारी रजा क्या है। तो खुद ही को बुलंद करें, खुद को मजबूत बनाएं, अपने हेल्थ को मजबूत बनाएं, अपने दिमाग को मजबूत बनाएं, इसी से आपकी फैमिली, आपकी कौम, आपकी देश, आपकी स्टेट, आपकी जिला, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। किससे? आपके नॉलेज से, आपकी मेहनत से। तो दोस्तों विराट कोहली के जो फैमिली आगे बढ़ी है वो विराट कोहली के मेहनत से बनी है। तो दोस्तों ये पॉलिटिक्स के चक्कर में ना फंसे, पॉलिटिक्स के चक्कर हमेशा खराब होता है, पॉलिटिक्स से उठ के ऊपर उठे। लेकिन मैं एक चीज दिमाग में आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट फील ना करें। यानी जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। जब भी बुरे दिन आए तो समझ लीजिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जब भी अच्छे दिन आए तो समझ लीजिए बुरे दिन भी आ सकते हैं। यानी अच्छे दिन और बुरे दिन ये एक तरह साइन वेव की तरह, ये कभी ऊपर बढ़ता है कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरह लाइफ। कभी देखिए आपको बीमारी होता है, कभी आप खुश रहते हैं, कभी आपके फैमिली में परेशानियां आती हैं, कभी आपकी फैमिली खुश रहती है, कभी धूप निकलता है तो कभी छांव, कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है कभी इकोनॉमी कम होती है, कभी रिलीजियस भावना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी में लड़ाइयाँ होती है, कभी बहुत प्यार होता है। तो जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बाद प्यार आता है, जब जब प्यार हुआ है तब तब लड़ाइयाँ भी हुई। तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी यही सिखाती है कि कैसे खुश होकर ज़िंदगी जीना है, दुख होकर नहीं, खुश होकर। और ये खुशी तभी मिलेगी जब आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा, 10, 20 साल, 50 साल का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हमेशा कुछ कुर्बानी दे के ही इंसान आगे बढ़ा है। इसलिए कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना यह बहुत ज़रूरी होता है। सेक्रीफाइस कुर्बानी के ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मारे या कुछ करें, सेक्रीफाइस की ये मतलब है कि आप कि जो मनपसंद की चीज़ें हैं जैसे वीडियोज़ हैं, जैसे फिल्म है, इसको त्यागना है, इसको कुर्बान करना है। अच्छी ऐसी चीज़ें को जैसे खाने का बहुत ज़्यादा चीनी मन करता है तो इसको त्याग करना है। तो दोस्तों ये होता है त्याग या कुर्बानी। यानी आप अपने आप को कैसे, मतलब कोई देखे मंदिर में भैंस का बलि देता है, आपको जाएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे आपको कामाख्या मंदिर में, तो वहाँ भैंस की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, कोई खसी का बलि देता है। तो बलि देना ये कुर्बानी नहीं है, बलि देना ये है कि आपकी जो मनपसंद की चीज़ें हैं उसको कैसे त्याग देना है। आपको टिकटॉक बहुत मज़ा देता है, उसको त्यागना है, ये कुर्बानी है। आपको बहुत अच्छी मिठाई लगती है, मिठाई को त्यागना है। बहुत अच्छा आपको लगता है फिल्म, क्रिकेट, दिन भर टीवी देखना, इससे दूर होना, ये आपकी कुर्बानी है। तो दोस्तों कुर्बानी से ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी सैक्रिफाइस त्याग से ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपने मन की बात जरूर बताइएगा कमेंट से, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि बहुत लोगों के डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद थी, उनको पता चल जाएगा कि इंटरनेट शुरू हो गई है और वो अप्लाई कर सकते हैं। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।